ये जी हमारा खाना आने के करीब है, इसकी निशानी ये है कि पहले सलाद सर्व हो। ये इसका है ना, इनके सोवेनियर आप ले सकते हैं अपनी यादगार के लिए, कैप्स हैं, हैट्स हैं, मग्स, पेन, शर्टें। इसको पाइपलाइन ट्रैक इसलिए भी शायद कहते हैं क्योंकि इसी ट्रैक के ऊपर एक पाइपलाइन बिछी है। सामने इसका बाज़ाब्ता गेट आ गया पाइपलाइन ट्रैक का, क्योंकि पाइपलाइन ट्रैक रात 8 बजे तक ही ओपन होता है, उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है। तो ये इसकी इन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है, इसको उर्दू तर्जमा करके हम आपको बता देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती, मतलब ये है कि जल्दी हो जाएगा ज़रा। इसको 1984 में 3.372 हेक्टर पर डेवलप किया गया था। इसका मकसद था कि जो बायोडाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ जो किस्म के जानवर यहाँ रहते हैं उनको तहफ़ दिया जा सके और इको टूरिज़म का फ़रोग इलाके में दिया जा सके। इसकी हाइट 1050 मीटर से लेकर 3027 मीटर तक है, जो चोटियों की बन जाती है, और ये 40 मिलियन से लेकर 170 मिलियन साल पुराने तक हैं। इस नेशनल पार्क में बायोडाइवर्सिटी यानी मुख्तलिफ किस्म की जो अनवाउ अकसाम के जानवरों और परिंदों की जो अकसाम रिकॉर्ड की गई हैं अब तक, वो 757 है। वो जो ये अभी तक का सबसे खूबसूरत जगह है, ये बिल्कुल दरख्तों में घिरी हुई है दोनों तरफ से और एक टनल सी बनी हुई है, अंधेरा हो गया इधर आके। जैसा गेट उधर था शुरू में, ऐसा गेट इधर आखिर में है। ये जी हमारा खाना आने के करीब है, इसकी निशानी ये है कि पहले सलाद सर्व हो गए, सलाद रायता में भिजवा दिया गया। हमारा ऑर्डर आ गया जी, ये एग फ्राइड राइस है और साथ ये है चिकन कड़ी। अब हम अपना लंच करेंगे इंशाल्लाह ताला और उसके बाद जाएंगे पाइपलाइन ट्रैक पर। खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं इस होटल से बाहर, बाहर से आपको इसका व्यू कराते हैं। ये मेन डूंगा गली बाज़ार में वाकई होटल है। खाना ठीक था इसका, अच्छा था। ये इसका है ना, सामने लिखा हुआ है डूंगा गली। बैटरी पावर बैंक पे लगी हुई थी, आई होप अब तक होगी होगी चार्ज। अभी चार्ज तो नहीं हुई लेकिन पहले से बेहतर ही होगी। ये साइन बोर्ड बता रहा है कि पाइपलाइन ट्रैक राइट साइड पे है, इसी गली में चलते हुए आगे। साइड पे थोड़ी 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 छोटे छोटे से खोखे बने हुए चाय वगैरह के। ये जो इधर अजूबे नेशनल पार्क में जानवर पाए जाते हैं मैमल्स, वो लिखे हुए जिनमें चीता, लेपर्ड, कैट, मंकी और दीगर जानवर जो हैं वो शामिल हैं। मुख्तलिफ इनके सोवेनियर आप ले सकते हैं अपनी यादगार के लिए, कैप्स हैं, हैट्स हैं, मग्स, पेन, शर्टें। इसको पाइपलाइन ट्रैक इसलिए भी शायद कहते हैं क्योंकि इसी ट्रैक के ऊपर एक पाइपलाइन बिछी है, वो जो कि मोस्ट प्रोबेबली सुई गैस की या वाटर सप्लाई की हो सकती है। सामने इसका बाज़ाब्ता गेट आ गया पाइपलाइन ट्रैक का, क्योंकि पाइपलाइन ट्रैक रात 8 बजे तक ही ओपन होता है, उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें जगह जगह पर यह भी बताया गया कि आप अभी तक कितना फासला तय कर चुके हैं। बाय द वे हम 250 मीटर तय कर चुके हैं जो कि 16वां हिस्सा बनता है इसका ट्रैक का। और नीचे देखें गहरी गहरा जंगल खाइयों में और धुंध। हम लोग अब पहुंच चुके हैं 750 मीटर हमने चल लिया। ये 3/16 बनता है इसका सेक्शन, यानी इसका तीसरा हिस्सा बनता है 16 हिस्सों में से पाइपलाइन ट्रैक का। वी आर येट टू कन्फर्म कि ये पाइपलाइन किस चीज़ की है, मुझे तो पानी की फील होती है क्योंकि मैं बचपन से यू पी आ रहा हूँ, तो वहाँ पे कभी सुई गैस होनी देखी थी। अगर ये सुई गैस होती यहाँ से वहाँ जा रही होती, डूंगा गली या डूंगा गली से अयूबिया जा रही होती, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ होती। तो हम आगे बढ़ते हैं इस पार्क में, मज़ीद देखते हैं क्या क्या है हमारे लिए।
लोग थ्रू आउट नहीं आज क्योंकि वीकडे है, तो लोग गोल की शक्ल में मिलते हैं, जगह जगह टुकड़ियों की शक्ल में, मुसलसल लोगों का रस नहीं है। रस्ते में जगह जगह पर हट भी बने हुए हैं। और एक चीज़ जो अच्छी मुझे लगती है हमेशा केपीके की तरफ आकर, कि यहाँ पर सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, जगह जगह पर डस्टबिन हैं, साथ ही साथ सफाई के लिए जो वर्कर हैं वो भी मसरूफ़ अमल नजर आते हैं। 750 मीटर से 1 किलोमीटर तक हम पहुँच चुके हैं। दरमियान में ये टैक्सा पहुँच गई, ये एक बहुत पुराना सा दरख्त है, आपको उसमें बता ही दिया उसने कि 40 मिलियन से लेके 170 मिलियन साल पुराने इधर जो पहाड़ हैं वो वाकई हैं। इंतहाई कदीम इलाका है ये, और जो जानवर और दीगर अकसाम के इधर जानदार मौजूद हैं वो भी तकरीबन इतनी ही देर से यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जो हम जिस हिस्से में फिर रहे हैं मोस्टली पाइन ट्रीज हैं, जिस तरह उसने बताया था सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट जो था वो सामने देखें, अगर कैमरा आपको दिखा पा रहा हो तो वो ट्रैक का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है इस तरफ माउंटेन वाली साइड से, जिस तरफ से हम होते हुए यहाँ पहुँच चुके हैं। अब तकरीबन हम कोई 1.5 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं, जबकि पूरा जो पार्क है ये 4.25 किलोमीटर पे मुश्तमिल है ये ट्रैक जो है, तो हम तकरीबन निसफ के करीब पहुँच चुके हैं इसके ना। एक अच्छी बात इसकी है कि पहाड़ी ट्रैक्स होते हैं उनकी नस्बत ये ऊँचा नीचा रास्ता नहीं है, ज़्यादा सीधा रास्ता है, सीधा ट्रैक है, इस पर थोड़ी सी हिम्मत करके हर उम्र के लोग जो हैं आ सकते हैं, अगर उनको अदरवाइज जॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें ज़्यादा एग्जर्शन होने का जो चांस है वो कम है। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने घर के पास किसी पार्क में वॉक करते हैं, नॉट मच डिफरेंट। लें जी, अब हम ट्रैक के निसफ में पहुँच गए हैं, जैसे कि ये गजीबो में बता रहा है, आप ट्रैक के निस्फ में हैं। अब जैसे जैसे हम अयूबिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लैंडस्केप भी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, और सामने घना जंगल जो है वो विजिबल होता जा रहा है। वो सामने वाली साइड पे देखें अगर आप, तो धुंध में घिरा हुआ वो जंगल का थोड़ा सा व्यू आ रहा है, और परिंदों की आवाज़ें देखें क्या शानदार समा बना रही हैं। अब तकरीबन आधे से 1.25 किलोमीटर का फासला रह गया डूंगा गली की तरफ पहुंचने के लिए हमारा, और जो जो हम करीब हो रहे हैं तो जो है वो जंगल का घनापन ख़त्म हो रहा है, और जैसे जैसे मज़ीद नज़दीक जाएंगे तो आबादी के यकीन आसार नज़र आएंगे। सबसे मज़ेदार सीन इधर के वो लगते हैं जहाँ आप एक जगह पे खड़े हो और सामने आपको कर्व के उस पार ट्रैक दूसरी तरफ से जाता हुआ नज़र आ रहा हो, रियली ब्यूटीफुल। रास्ते में जगह जगह पे टक शॉप्स हैं, अगर ये 16 सेक्शन इसके बनते हैं यानी 4 किलोमीटर को अगर ये 1600 में तकसीम करते हैं 250 ईच, तो तकरीबन इन्होंने 4 पॉइंट्स ऐसे बनाए हुए हर किलोमीटर के बाद जहाँ पे टक शॉप है, बैठ के लोग आराम से चाय पी सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। ये अभी तक का सबसे खूबसूरत जगह है, ये बिल्कुल दरख्तों में घिरी हुई है दोनों तरफ से, और एक टनल सी बनी हुई, अंधेरा हो गया इधर आके। सो व्यूअर्स, फाइनली वी हैव मेड इट, हम इसके दूसरे किनारे पे पहुंच चुके हैं। पाइपलाइन ट्रैक हमने जो है वो सर कर लिया है, काफ़ी मज़ेदार ट्रैक था, लेकिन दरमियान में पैचेस ऑफ बोर्डम आते हैं, यानी आप मुसलसल एक ही तरह की साइड्स एंड साउंड देखते देखते दरमियान में थोड़े से बोर भी होते हैं। जैसा गेट उधर था शुरू में ऐसा गेट इधर आखिर में है, और इस साइड पे भी एक टिकट घर मौजूद है, यहाँ से यूबीएस से आने वाले लोग टिकट लेते हैं।